प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजायर पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों मैं शक्ति सर आप लोगों के लिए एक नए मिशन को लेकर के आया हूं। इस मिशन में बच्चों हम लोग क्लास 11 मैथ्स के पूरे सिलेबस को वन बाई वन करके एक एक चैप्टर करके पूरी तरह डिस्कस करेंगे। बच्चों हम लोग सिर्फ यहां पे मैथ्स को डिस्कस ही नहीं करेंगे बल्कि मैथ्स को एंजॉय करेंगे। हमेशा किसी भी चीज को अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको स्ट्रेस लेकर के बिल्कुल मत पढ़िए। बच्चों पढ़ाई बोरिंग होती है बट उसको इंटरेस्टिंग बनाइए। यानी मैथ्स को हमें इस प्लेटफॉर्म पे केवल पढ़ना नहीं है, मैथ्स के साथ हमें एंजॉय करना है। तो आइए अधिक से अधिक संख्या में मुझसे जुड़िए और फिर हम लोग मिलकर एंजॉय करेंगे। ठीक है बच्चों, किसी भी चीज की तैयारी करने के लिए बच्चों एक अच्छे स्ट्रेटजी की जरूरत होती है, एक अच्छे नीति की जरूरत होती है, एक अच्छे प्लानिंग की जरूरत होती है। और उस स्ट्रेटजी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है, सबसे मीन्स महत्वपूर्ण पहलू जो होता है वो होता है सिलेबस डिस्कशन। यानी कि हमें जो कुछ भी पढ़ना है, जिस किसी भी चीज की तैयारी करनी है, तो सबसे पहले हम जाने कि हमारा सिलेबस क्या है। क्योंकि बच्चों पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि हमें किसे छोड़ना है। ठीक है, तो इस मिशन के फर्स्ट सेशन में सबसे पहले हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे। हम लोग जानेंगे कि अगर 11th मैथ्स अगर पढ़ना है हम लोगों को तो 11th मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें किन किन पॉइंट्स, किन किन यूनिट, किन किन चैप्टर्स को डिस्कस करना है। तो आइए बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए हम उस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आइए देखा जाए बच्चों पूरे सिलेबस में, मींस पूरे जो मैथ्स के 11th मैथ्स का जो सिलेबस है उस पूरे सिलेबस को 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। पूरा पेपर यानी एग्जाम में जो आपका पेपर आता है वो कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होता है। टोटल टाइम आपको कितना मिलता है? 3 आवर्स। इसमें पूरे मैथ्स के सिलेबस को 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। उसमें फर्स्ट यूनिट है, अगर पहले यूनिट की बात की जाए तो पहले यूनिट का नाम है बच्चों समुच्चय तथा फल। और इस यूनिट से टोटल 29 मार्क्स यानी 29 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम लोग यूनिट की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग ये मिस पूरे सिलेबस को जो 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है इन सारे यूनिट को वन बाई वन करके डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद एक एक करके एक एक यूनिट में कौन कौन से चैप्टर्स है उसको भी हम लोग वन बाई वन करके बच्चों डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बात करता हूं मैं सेकेंड यूनिट की। सेकेंड यूनिट में बीजगणित को रखा गया, बीजगणित यानी कि अलजेब्रा को रखा गया। और इस यूनिट से बच्चों 37 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी अगर नंबर के बेस पे बात करिए तो सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? सेकेंड यूनिट। ठीक है, अब चलता हूं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट यूनिट की ओर। नेक्स्ट यूनिट होगा बच्चों वो होगा निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, इस यूनिट से टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात की जाए तो इसको बोला जाता है कलर, इसको इंग्लिश में बच्चों बोला जाता है कैलकुलस। ठीक है, इस टॉपिक से टोटल 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा हम लोग क्लास 11 सिलेबस की बात कर रहे हैं। ये जो टॉपिक है यानी कि जो आपका यूनिट नंबर 4th है इसमें केवल और केवल 7 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट जैसे ही आप 11th के बाद 12th में जाएंगे वहां पे इसका वेटेज सबसे अधिक हो जाएगा, यानी यही सबसे बड़ा यूनिट होगा बच्चों। उसके बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें यानी नेक्स्ट यूनिट की बात की जाए तो लास्ट यूनिट होगा बच्चों ये होगा सांख्यिकी तथा प्रायिकता। ये यूनिट आप ऑलरेडी 10th में भी पढ़ के आए हैं, आप याद करिए आप सांख्यिकी क्लास 10th में भी पढ़े हैं और प्रायिकता भी क्लास 10th में पढ़े हैं। ठीक है, इस यूनिट से बच्चों टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे सबको आप मींस ऐड कर देंगे तो टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। ठीक, अब इन सारे यूनिट्स में बच्चों कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं बट इसमें कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, तो अब आइए हम लोग, अब अभी तक तो हम लोगों ने यूनिट में डिवाइड किया पूरे सिलेबस को, अब इस मिस हर यूनिट में कौन कौन से चैप्टर रखे गए हैं इसको देखा जाएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं।
अब जहां तक फर्स्ट यूनिट की बात है, फर्स्ट यूनिट में बच्चों समुच्चय तथा फलन है, इसमें टोटल दो चैप्टर्स रखे गए, तीन चैप्टर्स रखे गए हैं इसमें, यानी इस यूनिट का फर्स्ट चैप्टर होगा समुच्चय यानी कि सेट, ठीक है। उसके बाद अगर मैं सेकेंड चैप्टर की बात करूं तो बच्चों सेकेंड चैप्टर होगा संबंध तथा फलन, ठीक है। इसके साथ ही साथ एक चैप्टर इसमें और आएगा, वो होगा बच्चों त्रिकोणमितीय फलन, क्लियर। तो आइए पहले मिस हमने फाइनली क्या देखा कि फर्स्ट यूनिट में हमें थ्री चैप्टर्स डिस्कस करने हैं, यानी थ्री चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। अब उन तीनों चैप्टर्स में से वन बाय वन करके देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक उसमें आएंगे, ठीक। सिलेबस को एनालाइज करना बहुत ही जरूरी है बच्चों। देखिए फर्स्ट चैप्टर की अगर बात की जाए तो इसमें आपको पढ़ना है समुच्चय तथा उसका निरूपण, यानी कि इसमें आप पढ़ेंगे कि समुच्चय होता क्या है और उसको निरूपित कैसे किया जाता है। उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे समुच्चय के प्रकार, समुच्चय के प्रकार में आपके आएंगे रिक्त समुच्चय, परिमित तथा अपरिमित समुच्चय, उसके बाद सम समुच्चय, उसके बाद उप समुच्चय, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के रूप में, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उप समुच्चय विशेषकर अंतराल के रूप में, यानी एक टॉपिक आएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अंतराल बोलते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बच्चों। वो सिर्फ फर्स्ट चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आप जब तक मैथ्स पढ़ेंगे यानी स्पेशली आप क्लास 11th और 12th में जब तक आप पढ़ेंगे मैथ्स तब तक वो इंपॉर्टेंट, वो टॉपिक क्या होता है इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद बच्चों हमें पढ़ना है अधिसमुच्चय की, अधिसमुच्चय होता क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग समष्टि समुच्चय, फिर पढ़ेंगे हम लोग वेन आरेख। वेन आरेख की अगर बात की जाए बच्चों तो वेन आरेख सेट का यानी समुच्चय का, जो समुच्चय में जो ऑपरेशंस होते हैं उसका क्या है ग्राफीय निरूपण होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है समुच्चयों का सम्मिलन, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों सम्मिलन का है तो शायद बच्चे कम समझ पाए, पर अगर मैं यूनियन कहूं, यूनियन ऑफ सेट्स, समुच्चय का यूनियन, तो बच्चे इजिली समझ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमें समुच्चयों का सर्वनिष्ठ पढ़ना है, फिर समुच्चयों का अंतर पढ़ना है, और फिर एट लास्ट हमें पूरक समुच्चय पढ़ना है। तो यही रहा बच्चों चैप्टर नंबर फर्स्ट, इसमें हमें इतने पॉइंट्स को डिस्कस करना है। अब चला जाए नेक्स्ट टॉपिक की ओर, यानी कि फर्स्ट यूनिट का सेकेंड चैप्टर में देखा जाए कि उसमें हमें किन किन पॉइंट्स को डिस्कस करना है, ठीक है। तो आइए सेकेंड टॉपिक ये रहा बच्चों, ये चैप्टर का नाम है संबंध तथा फलन। इसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो आप कह सकते हैं अगर इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़िए, यानी एक टॉपिक आप ले लीजिए संबंध और दूसरा टॉपिक ले लीजिए फलन, यानी इस चैप्टर को आप दो भाग में बांट लीजिए, एक है संबंध दूसरा है फलन, ठीक है। अब सबसे पहले देखा जाए कि संबंध में हमें किन किन पॉइंट्स को डिस्कस करना है, क्या क्या कौन किस किन किन बिंदुओं पर हमें चर्चा करनी है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आएगा बच्चों वो होगा क्रमित युग्म, जिसको इंग्लिश में बोला जाएगा ऑर्डर्ड पेयर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा बच्चों समुच्चयों का कार्तीय गुणन, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे दो परिमित समुच्चयों के कार्तीय गुणन में अव्ययों की संख्या, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है बिल्कुल बच्चों, आप अधिक से अधिक संख्या में मुझसे जुड़िए, हम लोग मैथ्स को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं मैथ्स के साथ एंजॉय करेंगे, ठीक है। मैथ्स के एक एक टॉपिक का पोस्टमार्टम किया जाएगा बिल्कुल विदाउट स्ट्रेस, बिना कोई टेंशन लिए, हंसते मुस्कुराते हुए, चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का अपने से कार्तीय गुणन, ये पढ़ना है। फिर आपको संबंध की परिभाषा पढ़नी है कि संबंध होता क्या है, उसके बाद संबंध का चित्रीय आरेख यानी कि उसका ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है, उसके बाद संबंध का प्रांत पढ़ना है, संबंध का सहप्रांत पढ़ना है, तथा संबंध का परास यानी कि उसका रेंज यानी कि परिसर पढ़ना है, ठीक है। अब यहीं तक संबंध समाप्त हुआ, अब बच्चों हम चलते हैं फलन की ओर। मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि इस ये जो चैप्टर है उस चैप्टर को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे तब ज्यादा मिस मजा आएगा, ठीक। अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है फलन, इसमें क्या पढ़ेंगे, फलन एक विशेष प्रकार का संबंध। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फलन है क्या, ठीक है। तो फलन मीन्स अगर इनिशियली अगर मीन्स बेसिकली अगर बात की जाए
तो फलन बच्चों एक विशेष प्रकार का संबंध ही होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि फलन को एक विशेष प्रकार के संबंध के रूप में पढ़ना है। फिर हमें करना है फलन का चित्रीय निरूपण, यानी कि ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन, फलन का ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद आता है फलन का प्रांत, क्या पढ़ना है? फलन का प्रांत। उसके बाद पढ़ना है फलन का सप्रांत। उसके बाद पढ़ना है फलन का परास, यानी कि परिसर। फिर आगे चलेंगे तो बच्चों हम पढ़ेंगे वास्तविक मान फलन। फिर इसके आगे इन फलनों का प्रांत तथा परिसर, यानी कि वास्तविक मान फलनों का प्रांत तथा परिसर पढ़ना। ठीक, उसके बाद अचर फलन पढ़ना है, तत्समक फलन पढ़ना है, बहुपद फलन पढ़ना है, परिमेय फलन पढ़ना है, मापांक फलन पढ़ना है, चिन्ह फलन पढ़ना है तथा महत्तम पूर्णांक फलन पढ़ना है। ये सारे बच्चों क्या है? फलन के प्रकार है। ये आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो इनको पढ़ना, में ये फलन के सारे प्रकार को पढ़ना है, और फलन के प्रकार के साथ साथ जितने भी फलन के प्रकार हैं उनका ग्राफ को भी हमें देखना है, ग्राफ को भी डिस्कस करना है। ठीक है, उसके बाद बच्चों, उसके बाद क्या हुआ? फलनों का योग, यानी दो फलन को कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे उनका अंतर ज्ञात किया जाएगा, कैसे उनको गुणा किया जाएगा तथा कैसे उनका भागफल ज्ञात किया जाएगा। इतने टॉपिक पढ़ने हैं बच्चों में चैप्टर नंबर सेकंड। अब चला जाए नेक्स्ट चैप्टर की ओर, यानी फर्स्ट यूनिट में 3 चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है। अभी तक हम लोगों ने 2 चैप्टर्स को देखा है, अब हम लोग चलेंगे थर्ड चैप्टर की ओर, और थर्ड चैप्टर वो आने वाला है जो ऑलरेडी आप क्लास 10th में पढ़ के आए। ठीक है, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। अब नेक्स्ट चैप्टर क्या है? नेक्स्ट चैप्टर है त्रिकोणमितीय फलन। याद करो बच्चों, क्लास 10th में आपको एक चैप्टर पढ़ना था, वो क्या था? त्रिकोणमिति, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति का परिचय। पहली बार आपसे मुलाकात, त्रिकोणमिति की पहली बार मुलाकात क्लास 10th में हुई होगी, और क्लास 10th में कुछ बच्चों को त्रिकोणमिति आसान लगता है, बट कुछ बच्चों को वो टफ लगता है। बट बच्चों बिल्कुल टफ नहीं है, बिल्कुल इतना ही आसान टॉपिक है कि मैं क्या कहूं। लेकिन हां, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि ये जो त्रिकोणमिति है ना, ये पूरे मैथ्स का बैकबोन है। बैकबोन समझते हैं ना, रीढ़ की हड्डी, जिसमें हम लोग क्या, हमारी मीन्स पूरी जो बॉडी होती है उसी पे क्या होती है, एक तरह से मतलब कि जो रीढ़ की हड्डी हमारी होती है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। उसी तरह जो त्रिकोणमिति है वो क्लास 11th एंड 12th मैथ्स के लिए मीन्स एक तरह से बैकबोन का काम करेगा। ठीक है, तो इससे परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। अब जरा देखा जाए कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। इस टॉपिक में हमें पढ़ना बच्चों धनात्मक तथा ऋणात्मक कोण, उसके बाद पढ़ना है कोणों की रेडियन तथा डिग्री में माप, यानी कि कोण को हम मापेंगे। अभी तक तो हम कोण को मापना बस एक ही तरीके से जानते हो, किसमें? डिग्री में। लेकिन अब क्या होगा, डिग्री के साथ साथ आपको रेडियन में भी मापना होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद आएगा उनका मापन, उनका एक मापन से दूसरे मापन में रूपांतरण, यानी कि डिग्री मेजरमेंट से रेडियन मेजरमेंट और रेडियन मेजरमेंट से डिग्री मेजरमेंट में आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए। उसके बाद इकाई वृत्त की सहायता से त्रिकोणमितीय फलनों की परिभाषा, यह पढ़ना है कि इकाई वृत्त की सहायता से त्रिकोणमितीय फलनों की परिभाषा पढ़नी है। उसके बाद बच्चों पढ़ना है एक्स के सभी मानों के लिए तत्समक साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 का सत्यापन। याद करिए, आपने शायद देखा होगा साइन स्क्वायर एक्स, या नहीं भी देखे होंगे तो अब आपको देखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये बच्चों क्या होती है, एक आइडेंटिटी होती है, एक त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी होती है, यानी इसको आप कह सकते हो कि एक तरह से ये त्रिकोणमितीय तत्समक होता है। तो इसको हमें क्या करना पड़ता है, इसको हमें क्या करना होगा, डिस्कस करना होगा, यानी इसके प्रूविंग को सीखना होगा। उसके बाद बच्चों त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह, यानी हमें पढ़ना है कि त्रिकोणमितीय फलन में कौन कौन से चिन्ह आएंगे। उसके बाद पढ़ना है त्रिकोणमितीय फलन के प्रांत, परिसर तथा उनके आलेख का चित्रण, यानी उनका ग्राफ पढ़ना है। ठीक है, त्रिकोणमितीय में आपने पढ़ा होगा बच्चों साइन कॉस टैन सेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, पढ़े हो ना, वही 6 चीजों को, इन्हीं 6 को हमें क्लास 11th में भी पढ़ना है। इसलिए घबराने और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल हंसते मुस्कुराते हुए पूरे मीन्स एंजॉयमेंट के साथ आप पढ़ाई करिए। ठीक है, अब क्या बच्चों, फिर हमें ये फॉर्मूले को देखना है, इसको देखना है। ठीक है, ये सारे जो फॉर्मूले जो आइडेंटिटीज हैं, इसको हमें क्या करना है, इनके प्रूविंग वगैरह को देखना है। ठीक, अब चला गया बच्चों हम लोग, अब चलते हैं, यानी कि यूनिट नंबर फर्स्ट हमारा फिनिश हुआ, अब हम लोग को मूव करना है यूनिट नंबर सेकेंड की ओर।
अब यूनिट नंबर सेकंड क्या है, हाँ ये मिस त्रिकोणमिति के और भी कुछ पार्ट्स हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, इसे भी हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। जब चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा तो हम लोग वन बाई वन करके सारे टॉपिक को इजी वे में बच्चों एंजॉय करते हुए, मस्ती करते हुए सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए अब आगे बढ़ा जा। ये भी वही त्रिकोणमिति का ही पार्ट है आपका, वही आइडेंटिटीज, वही फॉर्मूले। फिर आगे चलता हूं, अब ये क्या आ गया, अब जरा ध्यान से देखिएगा इसमें क्या है बच्चों की जो आपका ये आपका रहा सेकेंड यूनिट। ठीक है, ये सेकेंड यूनिट है जो कि हम लोगों ने देखा था कि एक तरह से अगर मार्क्स बेसिस पे बात की जाए, यानी कि अंकों के आधार पे बात की जाए, तो ये सबसे बड़ा यूनिट है। इसमें इस यूनिट से सबसे अधिक मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अधिक नंबर का तो जरूर है, लेकिन अधिक नंबर के साथ साथ और क्या है, इसमें चैप्टर्स भी ज्यादा है। ठीक है, तो आइए देखा जाए, इसमें टोटल 37 मार्क्स के क्वेश्चन इस यूनिट से आपसे पूछे जाएंगे। अब क्या किया जाए, देखिए जरा इसमें, इस यूनिट में बच्चों फर्स्ट चैप्टर, इस यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सम्मिश्र संख्या तथा द्विघात समीकरण। क्या है, सम्मिश्र संख्या तथा द्विघात समीकरण पढ़ना है इस चैप्टर में बच्चों। हमें मेनली दो चैप्टर्स पढ़ने, एक चैप्टर होगा आपका सम्मिश्र संख्या और दूसरा चैप्टर होगा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के बच्चों, द्विघात समीकरण के बारे में बच्चों आपको अच्छी तरह आइडिया होगा, आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, आप क्लास टेंथ में याद करिए आपने द्विघात समीकरण को पढ़ा है। बट सम्मिश्र संख्या आपके लिए क्या है, फुल्ली न्यू है, यानी अभी तक आपकी मुलाकात सम्मिश्र संख्या से नहीं हुई है, पहली बार मुलाकात क्लास 11 में होगी, वो भी मेरे साथ। ठीक, तो इसमें क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना बच्चों सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्याओं की आवश्यकता क्यों है, यानी कि इस सम्मिश्र संख्या अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो उसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले हमें यह पढ़ना। उसके बाद विशेषता कहलाने की प्रेरणा सभी द्विघात समीकरणों को, मीन्स ये सारे पॉइंट्स को हमें क्या करना है, इसमें डिस्कस करना। ठीक है बच्चों, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हमें फिर क्या करना है, सम्मिश्र संख्याओं के बीजीय गुण, मीन्स बीजगणितीय गुणधर्मों का संक्षिप्त विवरण पढ़ना है, यानी कि इसके सम्मिश्र संख्या के बीजगणित में कौन कौन से गुणधर्म होंगे, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी, उसे हमें डिस्कस करना है। उसके बाद करा कि एक ऋण वास्तविक संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, एक ऋण वास्तविक संख्या होगा यानी एक निगेटिव रियल नंबर होगा, उसे क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल। उसके बाद सम्मिश्र संख्या का, सम्मिश्र संख्या का मापांक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, सम्मिश्र संख्या का मापांक संयुग्मी, आर्गन तल और ध्रुवीय निरूपण हमें पढ़ना है, यानी कि यूनिट नंबर सेकेंड का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें बच्चों हमें इतने ही पॉइंट्स को डिस्कस करना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर को मूव किया गया इस यूनिट में, सेकेंड चैप्टर में ये रैखिक का समीकरण है। क्या बच्चों, रैखिक का समीकरण। ठीक है, इस रैखिक का समीकरण में हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है एक चर में रैखिक समीकरणों का बीजीय मीन्स बीजीय निरूपण, या आप कह सकते हो एक तरह से अल्जेब्रिक सॉल्यूशन कह सकते हैं, तथा उसका संख्या रेखा पर निरूपण, यानी कि उसको हम कैसे नंबर लाइन अर्थात संख्या रेखा, नंबर लाइन आपने पढ़ा होगा 9th और 10th में, उसी उस पे इसको कैसे निरूपित करते हैं, इसको हमें पढ़ना होगा। उसके बाद इस यूनिट में थर्ड चैप्टर में कौन सा रखा गया है, ये क्रमचय तथा संचय को रखा गया। किसको, क्रमचय तथा संचय, इसको बोलते हैं बच्चों परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर पहली बार, मीन्स अभी तक जो आप मैथ्स पढ़ते आ रहे हैं आपको फर्स्ट एंड लास्ट टाइम आपको क्लास 11th में ही मिलेगा, बट इसके यूजेज हमेशा रहेंगे, इसीलिए इसको आप बहुत ही अच्छी तरह से पढ़िएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, उसके बाद बच्चों अगर नेक्स्ट चैप्टर की मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर, मीन्स इस यूनिट का जो चैप्टर नंबर 4 है वो क्या है बच्चों, द्विपद प्रमेय। इसको इंग्लिश में कहा जाता है बायनोमियल थ्योरम। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, इसमें हमें इसका ऐतिहासिक वर्णन पढ़ना है, यानी इनकी हिस्ट्री पढ़नी है। उसके बाद द्विपद प्रमेय का धन पूर्णांकीय, द्विपद प्रमेय का धन पूर्णांकीय घातांकों के लिए कथन तथा उत्पत्ति को पढ़ना है। उसके बाद बच्चों हमें पढ़ना है पास्कल का त्रिभुज नियम, पास्कल का
त्रिभुज नियम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है। ठीक, उसके बाद बच्चों इसका सरल अनुप्रयोग, यानी कि इसका मीन्स एक तरह से सिंपल एप्लीकेशन, जनरल एप्लीकेशन इसको करना, मीन्स कैसे हम इस द्विपद प्रमेय को यूज करेंगे उसको हमें सीखना। ठीक, अब मैं मूव करता हूं आगे की ओर। अब इस यूनिट में यानी सेकेंड यूनिट में एक चैप्टर यानी लास्ट चैप्टर पर क्या रखा गया है, वो रखा गया है बच्चों अनुक्रम तथा श्रेणी। क्या रखा गया है? अनुक्रम तथा श्रेणी। अच्छा एक बात बताइए, आप क्लास टेंथ में एक चैप्टर पढ़ के आए हैं, उसका नाम है एपी, यानी कि समांतर श्रेणी। याद है, सबसे आसान चैप्टर बच्चों ये अनुक्रम और श्रेणी की जो बात हो रही है ना, यानी कि सेकेंड यूनिट का जो चैप्टर नंबर फिफ्थ है जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये वही चीज है। ठीक है, पहले तो यानी कि अभी तो नया सिलेबस आ गया है, इसके पहले वाले सिलेबस में जो आप समांतर श्रेणी आप क्लास टेंथ में पढ़ के आए हैं, वही आपको क्लास इलेवेंथ में भी पढ़ना था, और उसके साथ साथ और भी कुछ चीजें पढ़नी थी, यानी गुणोत्तर श्रेणी पढ़ना था। बट अब रिवाइज सिलेबस में मीन्स डायरेक्टली एक तरह से समांतर श्रेणी को हटा दिया है, बट उसका यूजेज यानी उसका रिलेशन गुणोत्तर श्रेणी के साथ रखा हुआ, यानी आपको एंजॉय करना है, आपको डिस्कस करना है। ठीक, तो इसमें क्या है बच्चों, इसमें जो पहला टॉपिक आएगा वो अनुक्रम तथा श्रेणी, यानी हम जानेंगे कि अनुक्रम क्या होता है और श्रेणी क्या होता है। उसके बाद गुणोत्तर श्रेणी आएगा, उसके बाद गुणोत्तर श्रेणी के सामान्य पद आएंगे, यानी जनरल टर्म्स ऑफ गुणोत्तर जीपी आएगा। उसके बाद बच्चों समांतर तथा गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम एन पदों का योग आएगा, यानी इसमें हमें समांतर श्रेणी पढ़ना है। समांतर श्रेणी में क्या पढ़ना है? समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल पढ़ना, उसके साथ ही साथ गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योगफल पढ़ना है बच्चों। ठीक, उसके बाद क्या आ गया? अनंत गुणोत्तर श्रेणी और उसके योग, यानी अनंत गुणोत्तर श्रेणी और उनका योग कैसे हम ज्ञात करेंगे, उसे भी हमें एंजॉय करना है, उसे भी हमें डिस्कस करना है। उसके बाद बच्चों यह है गुणोत्तर माध्य पढ़ना है, गुणोत्तर माध्य ये नया चीज आया हुआ है, गुणोत्तर माध्य आप अभी तक नहीं जानते, गुणोत्तर माध्य पढ़ना है। उसके बाद समांतर माध्य भी आपको पढ़ना, आप क्लास टेंथ में समांतर श्रेणी जरूर पढ़े हैं, बट आप समांतर श्रेणी समांतर माध्य नहीं पढ़े बच्चों। ठीक, उसके बाद लास्ट में आएगा गुणोत्तर माध्य के बीच, फिर समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य के बीच संबंध पढ़ना। ठीक है, तो ये रहा आपका यूनिट नंबर सेकंड। अब हम लोग मूव करते हैं बच्चों यूनिट नंबर थर्ड की ओर। ये रहा यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट नंबर थर्ड में बच्चों हमें क्या पढ़ना है? निर्देशांक ज्यामिति। आप क्लास नाइन्थ और क्लास टेंथ में भी निर्देशांक ज्यामिति पढ़े हैं। निर्देशांक ज्यामिति की शुरुआत कहां से हुई थी? क्लास नाइन से हुई थी। उसके साथ ही साथ आपको क्लास टेंथ में भी पढ़ना है, और उसके साथ ही साथ बच्चों निर्देशांक ज्यामिति को क्लास इलेवेंथ में भी पढ़ना है। ठीक है, यहां के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये थोड़ा यहां पे लॉन्ग टॉपिक है। ठीक है, तो अब देखिए इस यूनिट में कौन कौन से चैप्टर्स को रखा गया है। इस यूनिट से बच्चों जो टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल जो नंबर ऑफ जो टोटल मार्क्स है वो 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब इस यूनिट का पहला चैप्टर है बच्चों, वो क्या है? सरल रेखा। क्या है? सरल रेखा। ठीक है, इसके बारे में हमें पढ़ना है, यानी इसमें करा कि पिछली कक्षाओं से द्विआयामी संकल्पनाओं, द्विआयामी यानी कि 2D सेट्स, द्विआयामी संकल्पनाओं का को दोहराना है। उसके बाद रेखा की ढाल पढ़ना है। उसके बाद दो रेखाओं के बीच का कोण पढ़ना है। उसके बाद रेखा के समीकरण के विविध रूप पढ़ने हैं। उसके बाद रेखा के विविध रूप में क्या क्या आएगा? अक्षों के समानांतर रेखा का समीकरण आएगा। फिर क्या आएगा? बिंदु ढाल रूप आएगा। फिर ढाल अंतःखंड रूप आएगा। फिर दो बिंदु रूप आएगा। फिर अनंत खंडा रूप आएगा। यानी कि फाइनली बच्चों इसमें चैप्टर में हमें मीन्स सरल रेखा के समीकरण के विविध रूप पढ़ने। ठीक, अब देखिए उसके बाद क्या आएगा? एक बिंदु की एक रेखा से दूरी आपको पढ़ने को आएगा। उसके साथ ही साथ दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी को भी आपको डिस्कस करना होगा बच्चों। ठीक है, तो ये रहा यूनिट थर्ड का चैप्टर नंबर फर्स्ट। अब चलता हूं मैं आगे की ओर। इसमें सेकेंड चैप्टर भी रखे गए हैं। इसका जो सेकेंड चैप्टर यानी यूनिट नंबर थर्ड का जो चैप्टर नंबर सेकेंड है बच्चों, उसका नाम क्या है? शंकु परिच्छेद। क्या है? शंकु परिच्छेद। अब जरा देखा जाए कि इस शंकु परिच्छेद में हमें मेनली यानी मुख्य रूप से हमें किन किन पॉइंट को डिस्कस करना। ठीक है, तो इसमें बच्चों
सबसे पहले आएगा संकु परिच्छेद की भूमिका, इसकी भूमिका क्या है, इनका रोल क्या है, फिर उसके बाद वृत्त आएगा, वृत्त जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं अब तक वो वृत्त आएगा, बट अब तक जो आप पढ़े ना उससे थोड़ा सा अलग टाइप का आएगा, बट आएगा वृत्त ही। उसके बाद आएगा बच्चों परवलय, फिर अगला टॉपिक आएगा दीर्घवृत्त, उसके बाद अगला टॉपिक आएगा अति परवलय, और उसके बाद आएगा एक बिंदु एक सरल रेखा तथा प्रतिच्छेदी रेखाओं का एक युग। यानी कि इस चैप्टर में हमें मेनली वृत्त पढ़ना है, परवलय पढ़ना है, दीर्घवृत्त पढ़ना है और अति परवलय पढ़ना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद आगे क्या आएगा, हाँ उसके बाद आएगा शंकु परिच्छेद के अपभ्रंश रूप में, ठीक। उसके बाद हमें पढ़ना है वृत्त का मानक में शंकु परिच्छेद का अपभ्रंश रूप में वृत्त का मानक समीकरण पढ़ना है, उसके बाद परवलय दीर्घवृत्त तथा अति परवलय के मानक समीकरण पढ़ने हैं, यानी इनके जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस होते हैं वो क्या होते हैं उन्हें हमें डिस्कस करना है। उसके बाद उनके सामान्य गुण पढ़ने हैं, किनके सामान्य गुण, किनके, वृत्त अति परवलय परवलय दीर्घवृत्त इन सबके। उसके बाद त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, इसमें हाँ बच्चों ये सेकेंड चैप्टर है, ये थर्ड चैप्टर है, यानी कि इस यूनिट में यानी यूनिट नंबर थर्ड में सेकेंड चैप्टर ये था, एक चैप्टर और थर्ड चैप्टर रखा गया है, उसका नाम क्या है, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। बच्चों आपने त्रिविमीय यानी थ्री डी शेप्स का नाम सुना होगा, ठीक है, कुछ शेप्स कैसे होते हैं टू डी होते हैं, कुछ शेप्स कैसे होते हैं थ्री डी होते हैं, हम लोग क्या है, हम लोग थ्री डी शेप्स, हम लोग टू डी शेप्स नहीं है। तो बच्चों एक चैप्टर पढ़ना होगा क्लास इलेवेंथ में, वो क्या पढ़ना होगा आपको, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। आप याद करिए क्लास नाइन्थ में आपने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा था, वहां पे वो कैसा निर्देशांक ज्यामिति था, वो 2D के लिए था, यानी द्विविमीय था। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय पढ़ना है, और वो कहां पढ़ना है, वो क्लास 11 में पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो ये चैप्टर होगा आपका, इसमें हम पढ़ेंगे क्या, इसमें पढ़ेंगे हम त्रिविमीय अंतरिक्ष में निर्देशांक तथा निर्देशांक तल पढ़ना है, उसके बाद एक बिंदु के निर्देशांक पढ़ना है, फिर उसके बाद दो बिंदुओं के बीच की दूरी को डिस्कस कर, ठीक है बच्चों। तो त्रिविमीय ज्यामिति का जो परिचय है, यानी कि इस यूनिट का चैप्टर नंबर थर्ड है, उसमें हमें इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करना, ठीक है। अब कर जाए नेक्स्ट, अब आगे, अब हम लोग कहां गए बच्चों, अब हम लोग आ गए यूनिट नंबर फोर्थ। यूनिट नंबर फोर्थ की अगर बात की जाए तो बच्चों इस यूनिट का क्लास इलेवेंथ में कोई खास रोल नहीं है, बट ध्यान रखिएगा इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल कहां पे है, इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल क्लास ट्वेल्थ में है, क्या, क्योंकि क्लास ट्वेल्थ का एक सबसे बड़ा यूनिट बच्चों क्या होगा, कलन ही होगा, यानी कि कैलकुलस होगा। इसीलिए इस यूनिट को आप हल्के में मत लीजिएगा, भले ही छोटा यूनिट है बट ये क्या है वीवीआई है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो आइए देखा जाए इसमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है अवकलन को दूरी के फलन के परिवर्तन के दर के रूप में परिभाषित करना पड़ना है, ठीक है। उसके बाद बच्चों सीमा का सहजानुभूत बोध पढ़ना है, सीमा यानी सीमा होता क्या, ठीक है, दूसरे सीमा की बात मत कर लीजिएगा, यहां पे हमें सीमा पढ़ना, सीमा वो सीमा क्या होगा जब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा आपको। उसके बाद क्या पढ़ना है, परिमेय फलनों त्रिकोणमितीय फलनों की सीमाएं पढ़नी है, उसके बाद अवकलज की परिभाषा पढ़ना है तथा फलनों के योग तथा अंतर पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो इतने मींस पॉइंट्स को हमें यहां पे डिस्कस करना है, ठीक। उसके साथ ही साथ यहां पे क्या है, गुणन तथा भाग द्वारा बने फलनों का अवकलन करना है, उसके बाद बहुपद फलनों तथा त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलज ज्ञात करना, ठीक है। तो ये रहा बच्चों आपका यूनिट नंबर फोर्थ। अब मूव करता हूं यूनिट नंबर फिफ्थ की ओर। ये बच्चों ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, ये यूनिट नंबर फिफ्थ है, सिक्स नहीं है, क्योंकि पूरे मैथ्स के सिलेबस को फाइव यूनिट में ही डिवाइड किया गया है, सिक्स यूनिट में डिवाइड नहीं किया गया है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसलिए इसको इग्नोर कर दीजिएगा, यानी कि वो यूनिट नंबर फिफ्थ है। अब ये यूनिट नंबर फिफ्थ क्या है बच्चों, ये है सांख्यिकी तथा प्रायिकता। इसमें मुख्य रूप से
दो चैप्टर्स को इंक्लूडेड किया गया, दो चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया, एक चैप्टर होगा सांख्यिकी, दूसरा चैप्टर होगा प्रायिकता, ठीक है। तो अब देखिए सांख्यिकी में हमें क्या क्या पढ़ना है, सांख्यिकी वाला चैप्टर ये बच्चों, इसमें हमें पढ़ना है सांख्यिकी प्रकीर्णन का माप, उसके बाद वर्गीकृत तथा व अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य विचलन ज्ञात करना, उसके बाद प्रसरण ज्ञात करना तथा मानक विचलन ज्ञात करना। सांख्यिकी बच्चों हमें ये पढ़ना है, क्लास टेंथ में आप माध्यमाधिका बहुलक पढ़ के आए होंगे, आपको याद होगा, उसके आगे हमें यहां पे पढ़ना है। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर होगा बच्चों इस यूनिट का, उसका नाम है प्रायिकता। प्रायिकता से तो आप अच्छी तरह परिचित होंगे, क्लास टेंथ में आपने बहुत पढ़ा होगा प्रायिकता, ठीक है। तो प्रायिकता की जहां तक बात है बच्चों, क्लास टेंथ में आपने तो पढ़ा ही होगा, आपको क्लास इलेवेंथ में भी पढ़ना है और उसके साथ ही साथ क्लास ट्वेल्थ में भी जाके आपको पढ़ना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा क्लास टेंथ की प्रायिकता बहुत ही आसान था, इलेवेंथ का भी मॉडरेट रहेगा, यानी कि बहुत टफ नहीं होगा तो बहुत इजी भी नहीं होगा, बट बच्चों क्लास ट्वेल्थ की प्रायिकता बहुत ही टफ हो जाता है। फिर भी ऐसा नहीं कि आपको नहीं आएगा, सबको आएगा, चाहने पर सब कुछ आता है बच्चों, ठीक है। तो प्रायिकता की बात की जाए, इस प्रायिकता में बच्चों हमें क्या पढ़ना है, घटनाओं का घटित होना, ठीक, उसके बाद घटित ना होना, फिर तथा और या निशेष घटनाएं पढ़ना है, फिर हमें पढ़ना है परस्पर अपवर्जी घटनाएं पढ़ने हैं, फिर हमें पढ़ना है प्रायिकता का अभिगृहितीय दृष्टिकोण पढ़ना है, उसके बाद बच्चों पिछली कक्षा के प्रायिकता सिद्धांतों से संबंध ये पढ़ना है, फिर एक घटना की प्रायिकता निकालनी है, फिर नॉट एंड तथा और घटनाओं की प्रायिकता निकालनी, ठीक है बच्चों। तो यूनिट नंबर फिफ्थ में हमें इतने पॉइंट्स को डिस्कस करना है, यानी इस यूनिट में दो चैप्टर को रखा गया है, इन दोनों चैप्टर्स में हमें इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करना है, ठीक है बच्चों। तो ये रहा आपके क्लास इलेवेंथ मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस, ये पूरा सिलेबस एनसीईआरटी पैटर्न पे बेस्ड ऑन है। तो ठीक है बच्चों, फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने सिलेबस को डिस्कस किया, फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग नए चैप्टर के साथ फिर से जुड़ते हैं। और पूरी तरह बच्चों याद रखना, हमें मैथ्स को पढ़ना नहीं है, मैथ्स को एंजॉय करना है, यानी मैथ्स का एक तरह से देखा जाए तो एक एक पॉइंट को डिस्कस करके और फुल्ली एकदम चेहरे पर हंसी और मुस्कुराहट के साथ, स्ट्रेस नहीं लेना है, प्रेशर में आकर नहीं पढ़ना है, पढ़ाई को बोझ मत बनाइए बच्चों, पढ़ाई को रिलैक्स मोड में पढ़िए, हंसते मुस्कुराते हुए पढ़िए और आपको आसानी समझ में आएगा, मैं हूं ना, इसलिए आपको मैथ्स को लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो फिर नेक्स्ट सेशन में मैं नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।